पड़ रहे हैं। अबे पिंटा गिर गया, अबे उठना, भाग भाग पिया, अबे चल 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 पिया 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 भाग। मेरा यार दिलदार बड़ा करिया, मैं देखूं बार बार उसको। मेरा यार दिलदार बड़ा करिया, मैं देखूं बार बार उसको। आओ क्यों आओ? हाँ काम कर रही है? नहीं नहीं मजाक कर रही है। काम कर रही है। सुन तो, हम अब भी आते हैं। कहाँ से? डिंकी से मिलके। काय के लिए? ऐसी काम है, बहुत अर्जेंट काम है हमको। अभी गए और तो हम ये कहने आए कि हम जा रहे हैं, तो बाबू को बताना मत। और हम कार से जा रहे हैं। मेरे को नहीं पता, मेरे को ये लफड़े में नहीं घुसना है। बाबूजी जो पूछेंगे मेरा काम में बताने का, मैं बता दूंगी उनको सब चीज। बस हो गया। हाँ तो जाना है, जाओ नहीं जाना मैं तुम्हारी बोला, तुम जानो मेरे को नहीं फंसना है। मैं हर बार तुम्हारे चक्कर में फंसती हूँ, अब बाबर में गाली खाती हूँ। बाबूजी कहना है वो, तू एक काम कर, तू काम कर, बताना मत किसी को, ठीक है? जा तू काम कर, क्या ले अपन? मैं तो बताऊंगी। बिल्ली बोलना, कैसी घरवाली तेरी? अरे नहीं बता दी, मैं बता नहीं कि वो, मैं तो बताऊंगी, बाबूजी पूछेंगे तो बताऊंगी। मत बताना ना, वो एक्सेल घर वाली तो ऐसी बात करती है। मैं एक उनकी अच्छी संस्कारी बहू हूँ, उनकी सारी बातें मानती हूँ। भूल गई 3 साल पुराना प्यार? शादी के बाद सब खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? मैं प्यार तो है, सब कुछ है। हाँ, पर बताना मत ना। हाँ वो तुम्हारी बात, तुम जानो, मेरे को नहीं पता वो सब चीजें। गाड़ी की चाबी? मेरे को पागल का समझता है तू? मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? फालतू बात करता है तो, ना कहाँ चाबी? ये कौन सी चाबी? कौन सी चाबी जी? दिखा देख तो, कहीं चाबी वो? अब कार की चाबी है ना? आपके पास कहाँ सही चाबी? अरे काका की चाबी का साबुन में थप्पा लगाया था और बनवा के लाया हूँ, मास्टर चाबी अच्छा अच्छा खोल देती है। अरे तू तो मेरा सगा वाला निकल गया। मेरे ऊपर दिमाग खराब करता है, तू काम करो। है पिंटिया जी डरो, थोड़ा भगवान से डरो। भगवान? भगवान से डर? आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी प्लीज बताना मत बाबू। मैं तो बताऊंगी। चल पिया। आप तुम्हारा बाला तुम जानो, मैं नहीं जानती। बाबूजी आएंगे और पूछेंगे मेरे को कि कहाँ गए हैं पिंडिया पिके दूर, कहाँ गए? तो मैं बता दूंगी बाबूजी डिंकी से मिलने गए, डिंकी से मिलने गए। मैं जो आपने जैसे बताया मैंने वैसे बता दूंगी। मैं सच सच में झूठ नहीं बोल सकती। इसी से प्यार करके तेरे को इसी से शादी करना था क्या? चलो जल्दी जल्दी चलना, 50 रुपए खिलाना। चलना कैसी घर वाल रखा है? अबे गुप चुप, तेरी सुनती नहीं, एक भी दिमाग खराब होता है। तो ली देख तो सुन ली ना, चलना यार। जो रुको गुलाम, अबे मेरे से सीख भाई। क्या सीख? हले तू ही चल, जल्दी जा। नहीं नहीं भाई, दिमाग खराब करता है मेरा, है पागल पागल समझता है मेरे को। भाई बात करता है बे, वो तो गया। पिंटे भैया बोल मेरे को। पिंटे भैया, पिंटे भैया बात करता है। ये खड़ी ना है ना? जा जा जा, बस मेरे को तो बस गुपचुप खाने मिलेगा, आज तो मजा आ जाएगा। बुरी बस ऐसे काम करती रहे और रोज गुपचुप खा, दुनिया भर का खा। झूठ वैसे भी सच बोलने से कौन सा फायदा हो रहा है? झूठ बोलने से कम से कम खाने को तो मिल रहा है। बस आज तो गुपचुप खाऊंगी मजे से। कुछ में 4 सेंटर वाले के पास लगे। मेरे को तो रहा नहीं जा रहा है। कहाँ वो कंजूस बनवारी सीट? रोज देखो तो कंजूस कंजूस ही बनी। अब तो झूठ बोलूंगी और रोज खाऊंगी, मजा आ जाएगा। सभा चल रही क्या? कुछ मंगा ना खाने के लिए? बुलाता हूँ ना, रुक तो जा, कॉफी जल्दी बुलाएं, जल्दी खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी बात तो करने दे। हाँ तो क्या कर रहा है अभी से बैठ रहा हूँ, चुप बात कर रहे हैं। बोल यार जल्दी बोल। तू बोल, मैं नहीं बोलता। मैं क्या बोलूंगा? मेरे को शर्म आती। चल घर चल, अब जाऊं मैं भी? नहीं तो बोलना तो यार। आप बोलिए ना, आप बोलिए। अरे यार देखिए डिंकी जी, मैं ये कह रहा था, जैसा जैसा आपने मेरे को बोले थे मैंने वैसा वैसा कर लिया। अब अपन शादी कर लेते हैं। हाँ शादी।
पागल है क्या ये? मेरे को क्या मालूम? हाँ, तुम्हारे प्यार में पेज़ा पागल हूँ मैं। मेरे को नहीं करना है शादी यार। आप नहीं कहे थे कि आप पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, सब जो जो बोले थे मैंने किया कि नहीं बताओ? तो भाई तू इसमें ये भी तो देख कि तेरी, देख अपने आप को देख, तेरी लाइफ सवर गई, तेरे को अच्छी लड़की मिल जाएगी। मेरे को आप ही चाहिए ना, आपके अलावा कोई नहीं चाहिए। अरे यार इसको समझा यार पिंटिया। अरे वो सब छोड़ यार, पहले खाने का मांगा यार, उतनी दूर से आ रहे हैं। थोड़ी सी बात करने देना। तू यहां खाने को आया है क्या? ओह नो, चुपचाप बैठ। हाँ तो मैं कह रहा था आपने जो बोले मैंने किया कि नहीं बताओ? हाँ। किसके लिए किया मैंने? पहले काफी मांगा लेना यार। मैंने किसके लिए किया? मुझे क्या पता। बता इसके लिए किया कि नहीं मैंने? मेरे को मारता यार। तो आपको नहीं मार सकता ना? मतलब मेरे को मारने का मन कर रहा था तो मेरा दिमाग खराब होगा तो कहीं ना कहीं तो हाथ साफ करना पड़ेगा ना। इसलिए मेरे को तुम मेरा फ्रस्ट्रेशन तुम इसके ऊपर निकालोगे? हैं क्या होता है इसका? तू नहीं समझ पाएगा, तेरी इंग्लिश थोड़ी हैवी है। तो आपने जो बोले मैंने किया, तो आप अब शादी कर लो मेरे से। यार मेरे को नहीं करना है शादी, मेरी उम्र ही क्या हुई अभी, मुझे पढ़ना लिखना है, मुझे जॉब करना है यार। अरे तो फिर आपने ऐसा बोले क्यों? ताकि तू सुधर जाए पिकिया। अरे यार दिमाग खराब मत करो मेरा। मैं क्यों मारता है तू यार? तो कहीं ना कहीं तो आप साफ करना पड़ेगा, दिमाग खराब है तो। हे भगवान, मतलब तुझे मेरा गुस्सा, मतलब तू मुझे मारता? नहीं आप बताओ शादी। एक मिनट भाई, अभी मेरा गुस्सा उधर निकाल रहा है, शादी के बाद तो मेरे पे निकालेगा ना? नहीं ना, शादी के बाद तो आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना शादी। अरे बार बार क्यों मारता है यार? यार तुम दोनों लड़ लो यार, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं बैठो, आप बताओ शादी कब करेंगे अपन? मेरे को शादी नहीं करना है। अरे क्यों नहीं करना है? मुझे नहीं करना है भाई, मेरे पापा की इज्जत है बहुत, कल को मैं तुझसे शादी कर लूंगी। तुम्हारे पापा ज्यादा तो मेरे पापा की इज्जत है ना। ओ प्लीज ज्ञान मत दो यार। अरे चिप्स मंगा यार, भूख लग रही है। अरे यार इसको क्यों लाया यार? मैं बोल रहा था, मैं नहीं। सुनो तो, मैं शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पापा की इज्जत है गांव पे बहुत। अरे तो कहां मेरे पापा की 99 एकड़, कहां 16 एकड़। तो आपने क्यों बोले तू पढ़ाई लिखाई कर, अच्छे कपड़े पहन, ये कर वो कर, सुधर जाओ। मेरे तो सही बोल रहा है यार। यार तू उसको मार तो मत। तो दिमाग खराब है तो कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा ना। मेरे को नहीं करना शादी, ठीक है? अरे तू मेरे क्यों मारता यार? शादी नहीं करना बोलती है, मैं कैसे करूँ? तो बता दो नहीं करना मुझे शादी। अरे यार नहीं नहीं, अब तूने मारा दिया सट ने, अभी मैं दिमाग खराब करता है मेरा। तुम दोनों लड़ रहे हो? नहीं तुम दोनों लड़ लो, मैं जाती हूँ यहाँ। अरे तो यार तुम शादी करने मना क्यों कर रहे हो? पहले आपने हाँ बोल दी और अब मना क्यों कर रहे हो? अरे तुम, मैं तुझे सुधारने के लिए देखो ऐसा बोली थी। तुमने तो गिरगिट से भी तेज रंग बदले अपना, इंसानों का गिरगिट आओ। हाँ ना यार सही बोल रहा है ये, तूने बोली थी उस दिन, अब तो तेरे को शादी करना पड़ेगा। हाँ मैं नहीं कर रही शादी। अरे यार मैंने बोला तो यार, कोई जबरदस्ती है क्या शादी की भाई? अरे तो भाई आपने बोले थे हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, शादी करना चाहिए हाँ या ना? तू सुधर जाए, इंसान हो, थोड़ी सी इंसानियत रखो। हाँ ना यार सही बोल रही, मेरे को क्या देखती ना तूने? गिरगिट का रिकॉर्ड तो डाल इनने तो। हाँ हाँ देखा कैसा रंग बदल रही पीटिया। हाँ तू खाने का तो मांगो पहले, ले तो आओ ना, बुलाता हूँ ना, जल्दी बुलाना यार। अच्छा एक बात बता। हाँ मैं तुझसे शादी करूंगी तो मेरा क्या फायदा है? बता रही हूँ, फायदे बता इसको। फायदे ही फायदे, हमारे घर में आ जाएगी, भाई सी ढो रहे हैं गोबर। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, इधर सुनो मेरी बात सुनो, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, आपके हाथ पैर आपके हाथ पैर दबाऊंगा और आपको मतलब कोई भी काम करने दूंगा, बर्तन भी मैं ही मांजूंगा, कपड़े भी मैं ही धुलूंगा, खाना भी मैं ही बनाऊंगा। अबे तू इसको क्यों ला रहा है? और जहाँ भी जरूरत होगी कुछ भी धुलना है तो मेरे को आवाज दे देना, मैं एक टांग में दौड़ते चला जाऊंगा। ओह नो, क्या क्या धोएगा रे? सब धुलूंगा, कपड़े धुलूंगा, भैंसी, गैया, साइकिल, गाड़ी, जो जो अपने पास है सब धुल डालूंगा। शादी क्यों कर रहा है यार तू? और उसके बाद भी कहीं जरूरत पड़े तो मेरे को आवाज देना, एक टांग में आ जाऊंगा मैं। एक मिनट शांत रहना दोनों, बता दे रही हूँ मैं। आर डिंकी क्या करेगी तू? देख मेरी बात मान, बंदा बुरा नहीं है, मतलब जो तू बोल रही है वो करने के लिए रेडी है यार। और वैसे भी तुझे पति तो चाहिए नहीं, अरे मतलब पति चाहिए बट उससे ज्यादा तुझे कुत्ता चाहिए ना। तू बोले छू तो छू,
उड़ जा तो उड़ जा, बैठ जा तो बैठ जा, तो फिर इससे अच्छा तुझे कौन मान सकता है? और फिर तेरी सारी बातें मानने के लिए भी तो तैयार है यार। कपड़े धुलने के लिए तैयार है, बर्तन मांजने के लिए तैयार है, सब चीज तो करने के लिए तैयार है, और फिर सोचना कितना पागल है तेरे पीछे। और रही बात दौलत की, तो वो तो मेरे पास है, शुरू से अच्छे से रही हूँ। और पापा मान जाए, पापा दे ही देंगे यार मुझे कुछ ना कुछ। और वैसे भी ये जाएगा कहाँ तुझे छोड़ के? आएगा तो तेरे पास ही ना, तो इसको तू मौका दे कि सोच ले। अरे बोलना यार, जाना है मेरे को। एक मिनट सुनो मेरी बात। अच्छा मुझे दो दिन का टाइम दो। दो दिन का टाइम का लिए मैं तो बोल रहा हूँ ना, सब करने तैयार हूँ। आदमी दावा मैं अभी चल के शादी कर लूँ। हाँ हाँ चल चल, अभी इसका भी बाप मैं, तेरा भी बाप मैं, हो गया कन्यादान, सुने महादान, सुन चल। चुप रह यार तू। दो दिन का टाइम? नहीं दो दिन का टाइम नहीं, इतना सब करने के लिए तैयार हूँ मैं। हाथ दबाऊंगा, पैर दबाऊंगा, सर दबाऊंगा, कभी टाइम मिलेगा तो गला भी दबाएगा। नहीं नहीं गला दबाने का, हाथ पैर कभी कमर खून दूंगा, दर्द ही कमर काम कर करके। तो बस दो दिन का टाइम, मैं बोल रही हूँ ना पिक्या, दो दिन का टाइम। अरे यार टाइम क्यों ले रही है यार, अभी हाँ बोल डालना, अभी शादी कर डालना। दो मिनट में रहा जा रहा तुमको, दो दिन। ओह नो यार, प्लीज दो दिन का टाइम दे। नहीं ये प्लीज प्लीज नहीं, तो फिर कैंसिल शादी। तू खाने का मंगा यार पहले यार, तुमने शादी बाद में कर लेंगे। दिमाग खराब खाने आया क्या यहाँ पे? दिमाग खराब मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या बुलाया तू मेरे को यहाँ? ये बात ही करने आया, इसके पास पैसे होंगे तभी तो ये कुछ बुलवाएगा। हल्के मत लेना नाम पी क्या, सेठ 16 एकड़ जमीन, दो लौंडे नहीं है, नौ वैसी पिक गई, चप्पल चोरी की, परसों दिन चोरों शादी में। दिमाग खराब मत करना मेरे को, पुराना वाला पिक्या बनने के लिए मजबूर मत करो, बता दे रहा हूँ। हाँ जितना पढ़ा होना सब भूल जाऊंगा, नहीं तो वहाँ शादी नहीं करोगे तो। अब भी रामदेव बाबा को फोन लगाता हूँ, भूलने की स्कीम बताएंगे। ओ मैं ऐसा करता रहूंगा सब भूल जाऊंगा। ठीक है ठीक है, लगाओ रामदेव, लगाओ रामदेव बाबा जी को फोन लगाओ। नहीं फोन लगाओ, शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। ओह नो, फोन टूट जाएगा, बहुत मुश्किल से आया है। अरे दूसरा दे लेंगे, 16 एकड़ जमीन, एक बंदी नहीं सही। भले चप्पल चोरी के बहने, वो तो ऐसे ही बोल दिया, तो मजाक कर रहे हैं। अरे यार वो सब छोड़ यार, शादी कब करना है ये बताओ यार। दो दिन का टाइम मांग रही हूँ ना मैं, बस दो दिन का टाइम मांगी हूँ ना मैंने। हाँ ना मैं मांगी ना, दे देना तू पहले कुछ मांगा तो ऐसा प्यार से मांगना है तो गुस्से से मांगती है। दो दिन का टाइम दे दो ना। ओए मां सही अभी गुस्से में बात कर रहा था, हीने कर रहा है। खाने का मांगा पहले। भैया लल्ली भैया वो काफी पीने, हाँ काफी ला देना भैया, दो खाने के लिए मेरे लिए भी। हाँ इसके लिए एक चिप्स ला देना भैया। हाँ आ रही, अब शांत बैठना। हाँ बताओ शादी कैसे करेंगे? दो दिन का टाइम देते ना सर। एक दिन का समय दे सकता है, बता दे रहा हूँ। मेरे क्यों मार रहा है तू यार? अभी हाँ बोला तू। अरे अभी तो हाँ बोल दिया था इसने, कौन कह कर के रंग बदल रहा है अब? पहले किन्ने बदला? तो फिर मतलब अब तुम मेरी कंपेयर, मतलब मेरे जैसे करोगे जो मैं कर रही हूं? तुम शादी करोगे कि नहीं वो बता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है ना। दो दिन का टाइम चाहिए मुझे। कैसा पिंटा, मेरे को क्या पूछता है? सब उसी से पूछना होता है क्या? तो आप भी तो नहीं बता रहे हो। अच्छा इसको मेरे से शादी करना था, तुझसे पूछा था क्या? मेरे को क्या मालूम। अरे मैं पूछ रही हूँ यार, किसने पूछा था कि मेरे को डिंके से शादी करना, तू बता करूंगी नहीं। अरे यार फालतू की बहस नहीं करना, मेरे को बता दे रहा हूँ। अरे मार खाने आया हूँ क्या? मेरे को तो यही लग रहा है। चल जाना 10 किलोमीटर दूर, चल जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। काय को मारता है तो? कुर्सी पीछे कर रहा है, काय को मारता है तो? वे यार। हाँ आप बताओ। मैं बोल रही हूँ ना, बोल रही हूँ ना, मैं दो दिन का टाइम। दो दिन का टाइम की जरूरत ही नहीं है, ऐसा पति किसको मिलेगा बताओ, जो तुम्हारी पूरी सेवा करेगा, तुमको खाना नहीं बनाना है, कपड़े नहीं धुलना है, हमारे यहाँ भैंसी भैंसी सब, उनको कुछ भी नहीं करना है। अरे जिंदगी सवर जाएगी पागल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर में सोना हो गया, भाई से पंगराना हो गया। Oh, no. और कभी कभी टाइम मिलेगा तो अपने हाथ से खिला दूंगा, वो बात एक अलग है, फ्रेश होने जाता हूँ तो हाथ में धुलता साबुन से। छी यार, सच में क्या रुपया? मेरे को क्या मालूम। छी यार पिकिया, कितना गंदा है यार, स्टूपिड। हाँ हाँ आए लोग तू। ओए माँ यार। अरे पागल किस्मत वाली है जो इतनी मोहब्बत करने वाला लड़का मिला है। मैं जाऊं क्या? तू जा रहे नहीं तो दे दे करना, बता दे रहा हूँ, दिमाग खराब कर रखा जब इसे।
जल्दी भाग यहाँ से। ठीक है तो गाड़ी देख के लाना तू फिर। अरे यार बैठ चुप जा वहाँ पे। देख रहे क्या मैं तुझसे शादी कैसे कर सकती हूँ यार, जिस तरीके से मैं पढ़ी लिखी हूँ। ये हरकत नहीं पसंद मुझे। अरे भाई अगर किसी लड़की के साथ आयो ना तो पहले वो लड़की को सर यहाँ रख दे। मैडम जी मैं गरम चाय नहीं पीती। पिंकी मैडम जी हाँ यहाँ चाय बोल के बेइज्जती मत करो, काफी है। सॉरी ना यार, ठीक है अब मेरी बात सुन। अरे भैया ये कैसी कड़ू कड़ू जल गई है यार। यार तुम ये कॉफी है। अरे यार जल गई है कॉफी, ऐसी होती है काफी ऐसी। रहने दो यार भैया, आप इन लोगों को मत समझाओ। इधर देना, तू बात करने आया है तो तू एक खाना। तुम लोगों को कितना दिमाग है यार, अगर लड़की के साथ डेट पे आते हैं तो पहले लड़की को सर्व करते हैं। और मेरी बात सुन, अबे अपन गाड़ी में आए कहाँ डेट में आए कहती है। हाँ ले खा ले, ले और ले। पागल हो गया यार। अरे उसको दिमाग नहीं उठता भाई, फिर भी कितने क्या मतलब इजी है यार ये। अब मेरी बात सुन, मैं तुझसे शादी कैसे कर सकती हूँ, जिस तरीके से मेरी एजुकेशन है, जिस तरीके से मेरी पढ़ाई है। ऐसे फेरे लगा के। हाँ फेरे लगा मैं बोल रही हूँ ना, शांत एकदम। मेरी शादी पता किससे होना चाहिए, कोई टीचर से होना चाहिए या कोई पुलिस वाले या आर्मी इंजीनियर से। मैं तुझसे शादी क्यों करूंगी, मेरे को कई मिलेंगे। अरे कई मिलेंगे लेकिन मेरे जैसे सहाने वाला मिलेगा क्या ये बता। बहुत प्यार करता हूँ मैं तेरे से, समझती क्यों नहीं है। नहीं रह सकता मैं तेरे बिना। दिख रहा है चाय आई और पहले पीने लगा, लड़की को सर तक नहीं किया। कुछ नहीं हो सकता। अरे यार मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे को नौकरी वाला मिल जाएगा, अच्छे पैसे वाले मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसे प्यार करने वाला नहीं मिल सकता। हेलो बोल रहा है, पूतन का फोन आ रहा है, पूतन का फोन आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। ये चाय तुम लोग पी लेना, ठीक है मैं जा रही हूँ। ओह नो, चाय नहीं है कॉफी है। अरे सॉरी यार, सॉरी मैं जा रही हूँ। अरे मैं ना कॉफी पीती हूँ, मैं चाय ना नहीं पीती हूँ। सुनो तो पहले ये बताओ मेरे को कि शादी कैसे करना है। दो दिन बाद पक्का ना? दो दिन बाद फिर से आ रहा, फिर दो दिन बाद पक्का। हाँ 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 दो दिन बाद पक्का। बाय 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 बाय। अरे डिंकी रुक जाओ, डिंकी अबे कैसा लग रहा भाई, कैसा लग रहा है? गई क्या भाई, एक्टिंग कर रहा था, प्यार कर रहा खराब करता है वहां। अरे चाय पीने यार तू यार। ये गुपचुप खाने आए, गुपचुप गुपचुप। भाग यहां से। मजा आ गया सुने भाई, अच्छा उसने नहीं खाई, मेरे को तो मजा आ गया, मेरा पेट ही भर गया सुने। पैसे से नहीं चल, आप जल्दी भाग यहाँ से। अबे गाड़ी को पड़ रहे थे, पिंटा गिर गया, उठना भाग भाग पिया। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, आपने देख लिया ये अली स्टोरी, इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि अब क्या होने वाला है। लेकिन कैसे होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। पिकिया बन चुका है जेंटलमैन, लेकिन गरीब भी फंस चुका था, बाकी इसने अच्छी सारी कॉफी पिया है। और भूरी भी जो है यहाँ पर अब अपने गुपचुप मतलब जो खाने के लिए वो भी तैयार है ना, झूठ बोल के सो काफी मजा भी आ रहा है ना। तो दोस्तों अभी आपको मजा और आते रहेगा, लेकिन इसके बाद जो एपिसोड हम लोग के बनना है वो नई लोकेशन और सब कुछ नया होने वाला है। तो भाई अब जो है आप लोग दिल थाम के बैठ जाओ। मग्गू दिल का है अपना इधर है। इधर है देखो। तो दोस्तों आप दिल थाम के बैठ जाओ, अब मजा आने वाला है। बनवारी सेठ की सारी फैमिली अब बड़ी होने वाली है, घर भी चेंज होने वाला है और बहुत कुछ बदलने वाला है। तो चलिए बदलाव के साथ में मिलेंगे हम ठीक दो दिन बाद नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद।